यूं तो बांध बहुत फायदेमंद होते हैं, बाढ़ रोकने और बिजली पैदा करने के लिए इन्हें बनाया जाता है। लेकिन एक बांध ऐसा भी है जो बेहद विवादास्पद है। मैं बात कर रही हूं दुनिया के सबसे बड़े बांध की, जिसकी वजह से होने वाले नुकसान के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस बांध ने पृथ्वी के घूमने की गति को ही धीमा कर दिया है। आइए जानते हैं कहां है ये बांध और क्यों है विवादित। दुनिया का सबसे बड़ा बांध चीन में है, जिसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रेविटी डैम चीन के हुबेई प्रांत में यंगत्से नदी पर बना हुआ है, जिसे दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी माना जाता है। इस नदी की लंबाई 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यंगत्से नदी में आने वाली भारी बाढ़ का इतिहास गवाह है। हर 10 साल में एक बार इसके किनारे बह जाते थे। सिर्फ 20वीं सदी के दौरान ही इस नदी में आई बाढ़ से करीब 3 लाख लोग मारे गए थे। बाढ़ को नियंत्रित करने, 1.5 करोड़ लोगों और लाखों एकड़ कृषि भूमि को बचाने के लिए इस बांध को बनवाया गया था। स्टील और कंक्रीट से बना ये डैम 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा है। दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, तो जाहिर है सबसे महंगा भी होगा। इस बांध के निर्माण की लागत करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है। इसे पूरी तरह बनने में करीब 2 दशक लग गए। इसका निर्माण साल 1994 में शुरू हुआ था और 2012 में ये बनकर तैयार हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक थ्री गॉर्जेस डैम को बनाने में करीब 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। ये इतनी स्टील है जिससे एक साथ 60 आइफिल टावर खड़े किए जा सकते हैं। इस बांध से इतनी बिजली पैदा हो रही है जिससे कई छोटे देशों को रोशन किया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक इसमें 22,400 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। थ्री गॉर्जेस डैम के पास दुनिया के सबसे बड़े बांध होने की उपलब्धि तो है ही, ये सबसे ज्यादा विवादित भी है। चीन भले ही ये दावा करता है कि वो बाढ़ के पानी को रोकने में सफल रहा है, लेकिन ये बांध जल प्रदूषण और पर्यावरणीय खतरों को लेकर विवादों में घिरा हुआ है। आज भी चीन भारी बारिश और भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है, जिससे बांध की दक्षता पर सवाल खड़ा होता है। 1992 में जब बांध के निर्माण की योजना शुरू हुई, तो कई वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि इस बांध की वजह से आसपास के द्वीपों पर दबाव बढ़ेगा, जिससे भूस्खलन और जैव विविधता को खतरा हो सकता है। 2003 में 700 मिलियन क्यूबिक फीट की एक चट्टान नदी से 2 किलोमीटर दूर किंगन नदी में समा गई थी। इसमें 14 लोगों की जान चली गई थी। इसके बावजूद चाइना यंगत्से थ्री गॉर्जेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अपने रिजर्वॉयर में जल स्तर 445 फीट से बढ़ाकर 512 फीट कर दिया। इससे दर्जनों लैंडस्लाइड्स हुईं। 2020 में भी फ्लड वेव्स की वजह से बांध के गेट खुल गए थे और बाढ़ बढ़ गई थी। तब से यंगत्से नदी बाढ़ से जूझ रही है। बाढ़ की वजह से चीन के कई हिस्सों में सैकड़ों लोगों की जाने गई हैं और 14 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। लोगों के घर तबाह हो गए और सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि बाढ़ में डूब गई। इसके अलावा यंगत्से नदी के किनारे बसे 2 शहर और 100 से ज्यादा कस्बे और 1600 गांव डूब गए। पानी के वजन ने कथित तौर पर नदी के किनारों के महत्वपूर्ण हिस्सों को तबाह कर दिया। इससे बांध की दक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये बांध 2 बड़ी फॉल्ट लाइन्स पर बना है और इसलिए यहाँ भूकंप आते रहते हैं। 2003 में एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया था, जिसमें 24 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घर तबाह हो गए थे। एक बार तो बांध की दीवार पर दरारें भी आ गई थीं, जिससे रिसाव का खतरा बढ़ गया था। चीन में थ्री गॉर्जेस बांध के आसपास के क्षेत्र में पौधों की 6,400 प्रजातियां, कीटों की 3,400 प्रजातियां, मछलियों की 300 प्रजातियां और 500 से ज्यादा स्थलीय कशेरुक प्रजातियां पाई जाती हैं। इस बांध की वजह से ये प्रजातियां खतरे में आ गई हैं। थ्री गॉर्जेस डैम से सूखा और बीमारियां भी बढ़ी हैं। खासकर 2008 में यंगत्से नदी का जल स्तर 142 वर्षों में सबसे कम रहा। वाटर फ्लो में कमी के कारण कई घर प्रभावित हुए हैं और ताजा पानी दूषित हो गया है। अनुमान है कि चीन का 70% ताजा पानी प्रदूषित है और बांध इसे और भी खराब कर सकता है। ये बांध पुरानी वेस्ट फैसिलिटीज और माइनिंग ऑपरेशंस के ऊपर बना है। यंगत्से नदी में हर साल 265 मिलियन गैलन सीवेज जमा होता है। इस बांध का सबसे बड़ा प्रभाव तो पृथ्वी पर पड़ा है।
नासा के वैज्ञानिकों ने 2005 में गणना की थी कि थ्री गॉर्जेस डैम की वजह से पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो गई है। कई चीजें हैं जो पृथ्वी के घूमने को प्रभावित करती हैं, जैसे हवाएं, भूकंप, जलवायु परिवर्तन और चंद्रमा की स्थिति। बांध के रिजर्वोयर में 42 बिलियन टन पानी है, जिससे पृथ्वी घूमते समय अपना मोमेंटम या मोमेंट ऑफ इनर्शिया खो देती है। द्रव्यमान में बदलाव के कारण एक दिन का समय 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ गया है, यानी अब दिन थोड़ा लंबा हो गया है। ये दुनिया का एकमात्र बांध है जिसने पृथ्वी के घूमने को इतनी महत्वपूर्ण तरह से प्रभावित किया है। नासा के मुताबिक इस बांध के बनने की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसक गए हैं, जबकि अन्य ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी सी चपटी भी हो गई है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।